चलो जल्दी चलो, ट्रेन निकलने का है। इसे अंदर रखते हैं। कितनी बार तुम्हें समझाया है, सोने की चीजें संभाल के रखा करो। अब मुझे क्या पता कैसे गायब होगी। बेटी तूने देखा है? बच्चे से क्या पूछती हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। सर ये चैन आपकी है क्या? हाँ बेटे हमारी ही है, तुम्हें कहाँ से मिली ये? प्लेटफॉर्म पर गिरी थी सर। ऐसा क्या, अच्छा बैठो यहाँ। तुम क्या करते हो बेटा? प्लेटफॉर्म पर इडली बेचता हूँ सर। पढ़ने की उम्र में ये क्या काम कर रहे हो? ये लो इसे रख। नहीं सर नहीं चाहिए मुझे। रख लो बेटा। सर नहीं चाहिए, आप इडली ले लो ना। ठीक है बेटा, तुम्हारी इडलियाँ गरम है क्या? ठीक हाँ। है दे दो। ए, तुम्हारा स्टेशन छूट गया, अभी क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, अगले स्टेशन पे उतर कर चला जाऊंगा मैं। अच्छा ये रख लो। सर नहीं सर, चेन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं रख लो बेटे। सर अगले स्टेशन पर आप ही मुझे छुट्टी करवा के दे दो। नहीं बेटी ये ले रोते हो ना, क्या हो गया? अच्छा आ जा पापा के पास आ। पापा तुमको बहुत सारी चॉकलेट ला कर देंगे, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। शांत हो जाओ बेटा। अच्छा भैया के पास देखो ये तुमको खिला रहा है बेटा। अरे बेटा रोते नहीं, अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं रोते। देखो हंस दिया ना बेटा। गुड वेरी गुड। ये देखो तुझे चाहिए। अरे क्या हुआ? मुझे विनीत की याद आ गई। अगर विनीत होता तो अपनी रेखा इस तरह अकेली नहीं होती जी। अब रोना मत। हाँ तुम्हारा नाम क्या है बेटे? चंदन सर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा अब वो इस दुनिया में नहीं है। और माँ? माँ पापा को बहुत पसंद करती थी, वो भी उनके पास चली गई। तुम्हारा अपना और कोई नहीं है? नहीं साहब, मैं अपने कैंटीन के दोस्तों के साथ रहता हूँ। अच्छा तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं साहब रहने दीजिए। अरे तुम्हें नए कपड़े दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ। नहीं आ सकता साहब। मैं तुम्हें बेटे की तरह रखूंगा। नहीं साहब वो क्या है ना कि मालिक को मुझे इडली के 7 रुपए देने हैं इसलिए। ये तुम्हारी परेशानी है। ठीक है तुम्हारे कैंटीन के मालिक को मैं मनी ऑर्डर भेज दूंगा। ठीक है आज से तुम्हारा नाम है विनीत। विनीत। आउट नहीं, आउट नहीं, नो 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 नो, ये नो बॉल है। नो बॉल? चुप, मैंने बोला ना आउट नहीं हूँ। हे, नहीं नहीं आउट आउट, हाँ फ्रॉम द एम्पायर साइड। नहीं आउट नहीं हूँ। आउट है। अरे अच्छा छोड़ो, जाने दो यार, हम कोई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, हैव अ ब्रेक, हैव अ केक, फिर खेलेंगे। यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी, चल यहाँ से। अरे सुनिए। नमस्ते जी, मैं जनगणना कार्यालय से आई हूँ। यहाँ कोई चंदा देने वाला नहीं, तुम कहीं और जाकर मांग लो। वो जरा सुनिए तो। अरे पिछले 10 साल से एक को तो मैं संभाल ही रही हूँ, अब क्या तेरी भी देखभाल करनी पड़ेगी मुझे? ऐसे आते जाते को चंदा देने लगी तो बस हो गया, चलो भागो। मामा क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही हो? देख बेटा अगर तूने इसे कुछ दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो माँ। अच्छा कौन से स्कूल या मंदिर से आई? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं जनगणना विभाग से आई। देखा माँ जी, ये चंदा मांगने नहीं आई है, ये सरकारी जनगणना विभाग से भेजी गई है। कितनी बार बताया है तुमको कान की मशीन को ठीक से लगा कर रखा करो। मैं मोहन हूँ, मेरी उम्र 40। पर पापा आपकी उम्र तो ज्यादा है। चुप। मैं संगीता हूँ, इनकी पत्नी हूँ, उम्र 37। ये हमारी बेटी रेनू है, इसकी उम्र है 16 साल। ये मेरा बेटा विनीत, इसकी उम्र है 20 साल। ये कौन है, आपकी मेहमान है? बराबर बराबर। वो कान में मशीन नहीं है। अरे ये तो हमारी सबकी प्यारी माँ है पार्वती। मुझे भी देना क्या?
माँ जी ये आपको 16 साल की बोल रही है। भाई फाइनेंसर से 10 लाख रुपए का चेक मिला है, अभी तो एक नया चेहरा फाइनल कर रहा हूँ। एक बार ये काम हो गया तो कल से शूटिंग शुरू कर दूंगा। अच्छा बरकता हूँ, बाद में मिलेंगे। तो अरे भाई दरवाजा आराम से खोल के नहीं आ सकते? ए सर मैं कोई साधारण हीरो नहीं हूँ समझे, मुझे बड़ा एक्शन हीरो बनना है तो वैसे ही आऊंगा ना। ठीक है ये क्या हुलिया बना रखा सर? क्लाइमेक्स का फाइट ड्रेस है, माँ को बचाने के लिए मैं हर फिल्म में ऐसे ही ड्रेस पहनता हूँ। एक्शन हीरो बनेगा तुझे ऐसा क्यों लगता है? सर इसके बाद मुझे मुख्यमंत्री भी बनना है। नाम क्या है तेरा? बाला, पंच बाला। पंच बाला? हाँ सर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पंच मार के बोलता हूँ। अच्छा और बताता हूँ सर, जो मैं कल बोला था वही आज बोल रहा हूँ, जो आज बोल रहा हूँ वही आगे भी बोलूंगा। उस दिन क्या बोला था? कुछ भी तो नहीं बोला था सर। तो आज क्या बोलेगा? वही बोलने जा रहा हूँ सर, जो हो गया है वो अच्छा हो गया है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, गीता में लिखा है। ये गीता में लिखा है? अब आगे सुनिए सर, हाथों को आगे नहीं लेता और पैरों को पीछे नहीं लेता, यही खास अंदाज है सर। अब ये किसने कहा है? वो दिन भूल गए सर क्या, एक दिन मैंने नशे में कहा था। डायलॉग तो ठीक है, एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग स्टाइल मेरा एक्टिंग करने का महाराष्ट्र में 10,10,500 कचरा पेटियां हैं और उसमें कचरे के बजाय इंसानों के बच्चे गिरते हैं। शहर के हालात तभी सुधरेंगे जब आप जैसे लोग और हम जैसे लोग सुधर जाएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको शायद ये बात मालूम नहीं है, मेरी मुंह बोली बहन भी ऐसे ही एक दिन उठा कर लाया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसको अपने जान से ज्यादा प्यार किया है मैंने, लेकिन दुश्मनों ने मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ा और उसका फोटो देख कर मैं उन दरिंदों को चुन चुन कर मारूंगा। सर कैसी रही एक्टिंग, शूटिंग कब शुरू करेंगे? तेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है पर हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तुझे सर पे पानी डाल के कूदने को किसने कहा था? फाइनेंस के 10 लाख के चेक के सारे शून्य मिट गए, बस अब एक ही आंकड़ा बाकी है, सिर्फ 1 ही रुपया बचा। ये कैसे हो गया सर? अरे ये क्या कर दिया बेवकूफ? एक्सक्यूज मी सर, ब्लैंक चेक बोलते रहते हो, ये ब्लैंक चेक ही तो है। हेलो 4026538, यही पूछने के लिए फोन किया है क्या? फोन रखो जल्दी। क्या ढूंढ रही हैं आप? माइकल जैक्सन। माइक टाइसन को ढूंढो, वो तुम पर ज्यादा सूट करेगा। एक्सक्यूज मी कैन आई हेल्प यू? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए कुछ खास गिफ्ट मिलेगा आपके पास? बॉयफ्रेंड का अभी देखता हूँ। हाँ ये एक नया एल्बम आया है, बहुत अच्छे गाने हैं, उनको जरूर पसंद आएगा। अगर वो उनको पसंद ना आए तो उनको ये जरूर दे देना, उन्हें खूब पसंद आएगा और आपको सीधे कमरे में ले जाएंगे। सच बोला तो नाराज हो गए यार। क्या ये कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? तो क्या कब तक महीने महीने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहेंगे? आगे बढ़ाने के लिए हम ही को तो मदद करनी पड़ेगी ना। अब अगर उनको नुकसान लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे कैसे लोग रखे हैं उन्होंने स्टोर में, लगा देना तूने व्हाट। ए ये कस्टमर क्यों गुस्सा हो गए? ये लोग कोई कस्टमर है क्या? बाहर जब धूप लगती है तो अंदर आकर विंडो शॉपिंग करते हैं और 10-15 सीटी देख के निकल जाते हैं। अरे मैंने ही उनको एक पंच मार के भेज दिया। सिनेमा में चांस मिलेगा बोल के जाते हो और फिर इधर ही घूम के वापस आ जाते हो, आते ही धंधा भी खराब कर देते हो। हाँ पता है बहुत बड़े व्यापारी हो, इनके जैसे कोई बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते, जब देखो लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहेंगे, पता नहीं इतना पैसा लेकर कहां जाने वाले हैं। और जिस दिन सलमान खान बन गया ना, आप जैसे लोग मेरे आगे पीछे ऑटोग्राफ के लिए घूमते रहेंगे। मेरे कान खुले हुए हैं समझे, इसीलिए तो मैं बोल रहा था। हेलो मोहन जी है क्या? सॉरी रॉन्ग नंबर। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, डायल किया हुआ नंबर कृपया जांच ले वरना सिम कार्ड चेंज कर दे। इसका फोन था? किसी मोहन के लिए था, मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। अरे मैं ही मोहन हूँ। लेकिन आप चंद्र मोहन हैं सर। मेरे सारे खास दोस्त मुझे मोहन ही बुलाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं बुलाया सर। क्यों मजाक कर रहा है, सारे दोस्त मुझे मोहन कह के बुलाते हैं। अरे क्या जरूरी फोन रहा होगा, आपने उधार लिया होगा वही मांगने के लिए फोन किया होगा आपको। मैं किसी से उधार नहीं लेता, उल्टा लोग मुझसे उधार ले जाते हैं। डैडी जिस कैंटीन के लिए मैंने काम किया था उसके 7 रुपए आपने अभी तक नहीं दिए ना। इतने सालों से उसका ठीक से पता नहीं चल पाया ना, जैसे ही पता मिलेगा उसे भेज दूंगा। मुझे एक डाउट है, मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी रोमांटिक फीलिंग आने से तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर इसी तरह शुरू हो जाते हो,
फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इलैया राजा ए आर रहमान भी बाहर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, समझे? स्टॉप, एक और डाउट। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं तेरी यही ट्यून सुनता आ रहा हूँ, तुझे कोई और ट्यून बजाने नहीं आती क्या? अरे, तेरी एक ही धुन सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ। तू बजरंग बली के मंदिर में रोज जाता है लेकिन अन्नू एक दिन भी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। वो इतने टाइम में अगर तू मंदिर के पुजारी की बेटी को भी घास डालता तो भी पड़ जाती, शादी होकर बच्चे भी हो जाते। ए, तुझे क्या मालूम प्यार के बारे में? इस भरी दुनिया में मेरी अनु मेरे लिए जरूर रुकी होगी। तो अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रहा है उस पर तू? सोते समय कान में चिल्लाती है डैडी। ए, आज कौन सा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है ना, उसके लिए इसने कितनी तैयारियां की हैं। सुबह से ये बेचारी बहुत परेशान हो रही है, पूछो इससे। अब मारो। थैंक्स अनु। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अंकल हम दोनों जरा बाहर जाके आते हैं। बाय बाय। सुनिए जी, इस साल इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए।